नमस्कार जोहार। सबसे पहले सुनते हैं सुर्खियां। परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया नमन। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई और शुभकामनाएं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के बच्चों के लिए राज्य में 13 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। मंत्री चंपई सोरेन ने दी जानकारी। आप झारगोफ टीवी का डिजिटल रेडियो सुन रहे हैं। आप इसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अदम्य साहस एवं शौर्य के परिचायक कारगिल युद्ध के नायक सदैव भारतीयों के दिल में जीवित रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में प्रॉमिस हेल्थकेयर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर आगे बढ़ना है। हमें चिकित्सा सुविधाओं को लेकर दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करनी है। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि कोरोना संकट को लेकर राज्य के हर जिले में कोविड टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुके हैं। जांच की रफ्तार तेज करने के लिए कुछ और नए लैब स्थापित किए जाएंगे। और अगली खबर रांची के राजकुमार के जन्मदिन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय क्रिकेट टीम की शान महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक ले गए और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो। माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के चंपई सोरेन ने कहा कि बिना शिक्षा के विकास नहीं हो सकता। यहाँ के हर परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इस हेतु विभाग कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने राज्य में पहले चल रहे 7 एकलव्य विद्यालयों के अलावा इस वर्ष से 13 नए एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। बता दें आपको, आज मंत्री चंपई सोरेन एकलव्य और आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए चयन परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर रहे थे। माननीय मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 143 आवासीय विद्यालय चलाने का कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों में 81 विद्यालयों के कक्षा 6, 7, 8 के कुल 4,500 रिक्तियां के विरुद्ध नामांकन हेतु विभाग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें राज्य के 85,525 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी जिला कल्याण कार्यालय से प्रमाण पत्र ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का जिस विद्यालय में चयन किया गया है, उन्हें विद्यालय द्वारा कॉल कर नामांकन के लिए संपर्क किया जाएगा। साथ ही माननीय मंत्री ने ये भी कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राज्य का नाम रोशन किया है। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोफ टीवी का डिजिटल रेडियो। नमस्कार।